जो डिबेट होता है संस्कृत में, तो उसमें हम स्टेट डेवलप करेंगे। सेकेंड चीज साइंस के एक्टिविटीज में काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। एट से ही पहले नॉर्मली सिक्स सेवन्थ में चीज हमें सीखे, हम सिर्फ सीखे और उनको देखा कि कैसे हम कैसे पार्टिसिपेट करना है, किन किन चीजों में हमारे अपॉर्चुनिटीज हैं। पहले तक हमें पता नहीं था, लेकिन जैसे ही क्लासेस बढ़ी तो हमें लगा, हमें हमारा इंटरेस्ट पता चला कि हमें कहाँ जाना है। तो एट से ही साइंस में जैसे आरएमपी सर को पता है कि मैं हमेशा जो साइंस एग्जीबिशन होता है वहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी स्कूल लेवल पे। भले ही आज तक मुझे कोई मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे हुनर में या मेरे बोलने के उसमें थोड़ा कमियां थी तो मैं नहीं कर पाई, पर इतना था कि वहाँ मैंने स्कूल लेवल में जितना बोलना सीखा तो वो मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ। शायद कहीं ना कहीं जो उसकी बैकबोन हम कह सकते हैं वो चीज थी। और ड्रामा में हम ज्यादा रहते थे क्योंकि उसमें ऐसा, क्योंकि पहले पहले डर लगता था अकेले कुछ चीजों को करने का। तो ड्रामा में ये होता था कि आठ बच्चे हैं तो चलो एक नहीं हारा, तो एक हारा एक नहीं सब हारे, तो ये होता है ऐसा में जनरली, तब बुरा नहीं लगता अगर हम किसी ग्रुप वाले कॉम्पिटिशन में अगर हम फर्स्ट सेकेंड नहीं आ पाते। सेकेंड चीज मैं थोड़ा पीटाई सर और पीटाई से माफी चाहूंगी क्योंकि मैंने कभी स्पोर्ट्स में इतना कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया। हाउस के उसमें हम थोड़ा खेल लेते थे खो खो वगैरह, क्योंकि पहले से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था नहीं, तो हमने कभी कोशिश भी नहीं करी। यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल में भी हमने कभी कोशिश नहीं करी, तो उसके लिए सॉरी सर एंड सॉरी मैम। एंड सबसे पहले और मैं ये यही कहूंगी आप सभी को, ये मेरा मैसेज है कि आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली है उन्हें आने दो और उन्हें बिल्डअप करो। अपना इंटरेस्ट मत मारो कि हम या ये सोच के कि हमारी पढ़ाई में कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कई बच्चे होते हैं उन्हें सिलेबस का बहुत डर रहता है कि मैं यहाँ चला गया तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, वो रहता है सबके मन में। बट ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज बैलेंस हो जाता है। मेरा ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस है खुद, जो हम अभी हमारे प्रैक्टिकल शुरू होने वाले थे और हम साइंस फील्ड में गए थे तो प्रैक्टिकल्स भी सर पे थे, और लेकिन सब चीज मैनेज हो जाता है। बस आप में ये होना चाहिए कि मुझे यहाँ भी पार्टिसिपेट करना है, यहाँ भी अपना बेस्ट देना है। और जो आपका अकेडमिक है वहाँ तो आप करते हो, तो वो कोई नई चीज नहीं है, पढ़ाई आप रोज करते हो, लेकिन आपने एक्स्ट्रा क्या किया अपने अकेडमिक के अलावा, आप एक्स्ट्रा क्या करो, आप क्या स्किल्स बढ़ा रहे हो अपनी, वो मैटर करती है जहाँ तक मुझे लगता है। और मैं लास्ट मैसेज यही कहूंगी कि आपको जहाँ भी मौका मिले, क्योंकि अभी मौके मिलते हैं बाद में हमें नहीं पता, कई बच्चे सोचते हैं कि बाद में कर लेंगे कभी मिल जाएगा मौका, पर हम किसी चीज को लग के नहीं छोड़ सकते, क्या पता हमें ना मिले। और यहाँ पे लगभग इतने सारे इवेंट्स होते हैं हर साल हर महीने पर, आपने इसी साल देखा होगा कोविड के और इतने सारे इवेंट्स हुए थे, कई बच्चे ने पार्टिसिपेट किया कई अब करेंगे। तो यू हैव टू डू, आपको करना है, छोड़ना नहीं है कोई भी चीज। अगर आपको सुना नहीं होगा सिलेक्शन वो मैटर नहीं करता, आपको बस करना है। और मैं एक चीज बस ये बोलूंगी कि जो हमारा भोजन मंद होता है, आप जो हम सब सहनो भुनस्त होते हैं वो भुनक्त होता है, और जो सहनो भवस्त होता है वो भवत होता है, वो बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं। मैंने एक दिन कल मैंने बोला था कि भवस्त को भवत कहना है और भुनस्त को भुनक्त कहना है। तो मेरी यही विषय आपसे कि आप इस प्रोनाउंसिएशन को सही करके, और थोड़ा बुरा भी लग रहा है और जाना सकते हैं परमानेंट कह सकता है और टेम्पररी कह रही है चीजें। और मैं फिर बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं पर आई हैव डोंट नो हाउ टू पुट देम ऑन दिस स्टेज। एंड थैंक यू नाउ दिया, थैंक यू फॉर जस्ट आज आप में इतना उनके प्यार रखा है, इतना आशीर्वाद ब्लेसिंग्स दिए हैं, और साथ साथ में सारे क्लासमेट्स को बहुत ही इंस्पिरेशनल क्लासमेट्स मेरे को मिले हैं। आई थिंक मेरी पूरी लाइफ में शायद मेरी बेस्ट क्लास है, बेस्ट क्लासमेट्स भी हैं और बहुत कुछ सीखा है, हर किसी से मैंने सीखा है। मैं पर अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो मैं हर किसी से ये कह सकती हूँ कि मैंने हर किसी से क्या सीखा। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट